स्टूडेंट्स, आज के वीडियो की शुरुआत हमारी हो रही है स्वार्ट्ज रिएक्शन, स्वार्ट्ज अभिक्रिया। देखिए, यहाँ पर आपकी मोबाइल स्क्रीन पर आपको एक ट्रिक नज़र आ रही है, फरिश्ते आज सबको हकतू, फरिश्ते आज सबको हकतू। तो डियर, ये मैं बताऊंगा आपको, पहले आप यहाँ ये देखिए, ये अल्काइल ब्रोमाइड, अल्काइल क्लोराइड को अगर आप किसी भी मेटेलिक फ्लोराइड के साथ, किसी भी धात्विक फ्लोराइड के साथ हीट करते हो तो अल्काइल फ्लोराइड का फॉर्मेशन होता है। इसी को हम लोग बोलते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। देखिए, मैंने आपसे कहा कि जब एल्किल ब्रोमाइड या फिर एल्किल क्लोराइड को हम किसी भी धात्विक फ्लोराइड से गर्म करके अभिक्रिया करते हैं तो यहाँ पर हमको एल्किल फ्लोराइड का निर्माण होता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्वार्ट्ज अभिक्रिया। अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ अगर हम इस रिएक्शन को देखें तो देखिए, यहाँ ये बी आर इस ए जी के साथ ए जी बी आर बना लेगा, तो यहां पर हो जाएगा सी एस थ्री एफ। ये देखिए, इसका नाम है फ्लोरोमैथेन, जो कि हमने बनाया ब्रोमोमैथेन से। तो बी आर को रिप्लेस किसने किया? फ्लोरीन ने। ठीक है, आपको पता है ये भी हेलोजन है, ये भी हेलोजन है, तो इसको हम लोग बोलते हैं क्या? हेलाइड एक्सचेंज मेथड, यानी कि हेलाइड विनिमय रिएक्शन। अब देखो, यहां पर भी वही हो रहा है कि यहाँ पर सी एस थ्री सी एल में जो सी एल है वो इस ए जी एफ के एफ से रिप्लेस होगा। ये देखिए, यहाँ से ये ए जी सी एल बना लेगा, ये जी सी एल बन गया और सी एस थ्री एफ, ये सी एस थ्री एफ बन गया। तो यहाँ अगर मैं आपसे कहूँ कि फरिश्ते आज सबको हक तू, ये है क्या? तो मैं बता रहा हूँ आपको कि ये जो ट्रिक है, यहाँ पर कौन कौन से मेटेलिक फ्लोराइड होंगे, कौन कौन से धात्विक फ्लोराइड होंगे जिनके साथ हम इसको एल्किल ब्रोमाइड और क्लोराइड को हीट करके हम फ्लोराइड का फॉर्मेशन कर सकें। चलिए आपको बता दो कैसे। पहले देखिए, यहाँ लिखा है फरिश्ते आज सबको हक तू, तो पहले आप लिखो यहाँ पर आज, ये आपने लिख दिया आज, ठीक है। फिर देखिए सबको, तो यहाँ लिखिए सब को, ठीक है। और यहाँ लिखा हक तू, तो आपने लिख दिया यहाँ पर ये हक तू, ये लिख दिया, ठीक है। ये देखिए आज सबको हक तू, आज सबको हक तू। फिर फरिश्ते का मतलब होता है एफ, तो जितनी इनकी वैलेंसी है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना है, ऐड करना है। जैसे ए जी की एक वैलेंसी होती है तो एफ लगा दो, ठीक है। एस बी की थ्री वैलेंसी होती है तो एफ थ्री कर दो, सी ओ की टू वैलेंसी होती है तो एफ टू कर दो, और ए जी की भी यहाँ पर वन ही है क्योंकि ए जी टू है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे एफ टू। तो ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये कैसे आया? देखिए, आज सबको हक तू और फरिश्ते में आपने एफ एफ लगा दिया, तो इस तरह से आपने देखा कि ये मेटलिक फ्लोराइड यानी कि धात्विक फ्लोराइड आपको मिल गए। अब इनमें से किसी एक के साथ आप इस एल्किल ब्रोमाइड और एल्किल क्लोराइड को हीट करोगे तो आपको यहाँ पर क्या मिल जाएगा? फ्लोराइड मिल जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए ये ट्रिक आपको बताई गई है ताकि इनमें से सब आपको याद रहे। ये देखिए 1 2 3 4, ये चारों के चारों आपको याद रहेंगे, बस करना कुछ नहीं है, ये ट्रिक याद करो। फरिश्ते आज सबको हक तू, देखो आज सबको हक तू और फरिश्ते का मतलब होता है एफ, इनकी वैलेंसी के अकॉर्डिंग क्या करो, इनको ऐड करो, बस। तो ये हो गया। तो ये जो हमारी रिएक्शन थी, इसका नाम था स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है। अब हम एक और इम्पॉर्टेंट रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, इसका नाम है फिनकेलस्टीन रिएक्शन, ठीक है। ये देखिए, ये फिनकेलस्टीन रिएक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं बाय हैलाइड एक्सचेंज, ठीक है। ये जो फिनकेलस्टीन रिएक्शन यानी फिनकेलस्टीन अभिक्रिया है, इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, ये हमारे पास आर एक्स अल्काइल हैलाइड है, एल्किल हैलाइड बोलते हैं इसको, और ये है सोडियम आयोडाइड। इसको हम क्या करते हैं, एसीटोन के साथ हम रिएक्ट करते हैं तो हमको यहां पर क्या मिलता है, एल्किल आयोडाइड मिलता है, ठीक है।
याद रखिएगा क्या मिलता है, एल्किल आयोडाइड और NaX यहां से बाहर हो जाता है। देखिए कैसे, यहां से NaX ये बाहर हो जाएगा और यहां पर RI यानी एल्किल आयोडाइड बच जाएगा। इसको एग्जांपल से आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। देखिए यहां पर कैसे, ये C2H5Cl और C2H5Br है, इसको हम लोग बोलते हैं क्लोरोइथेन ब्रोमोइथेन। यहां पर हम इसको रिएक्ट कराते हैं सोडियम आयोडाइड के साथ, और प्रेजेंस हम लेते हैं यहां पर, उपस्थिति लेते हैं एसीटोन की, या फिर मिथाइल अल्कोहल भी ले सकते हो आप। तो एसीटोन या फिर मिथाइल अल्कोहल दोनों में से किसी एक को ले सकते हो, क्योंकि यहां पर जो एसीटोन है या मेथिल अल्कोहल है, इसमें ये सोडियम आयोडाइड कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। इसमें ये सोडियम आयोडाइड यानी एसीटोन में सोडियम आयोडाइड पूर्ण रूप से विलय हो जाता है। जब इसमें डिसॉल्व हो जाएगा तो ये Na पॉजिटिव और I नेगेटिव में ब्रेक हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये देखिए यहां से NaCl बाहर हो जाएगा और ये I इसके साथ जुड़ जाएगा तो बन जाएगा आयडोईथेन, और NaCl क्या हो गया, बाहर। सिमिलरली यहां से देखिए NaBr बाहर निकल जाएगा, ये बाहर निकल गया और यहां पर I इससे लिंक हो जाएगा तो बन जाएगा आयडोईथेन। अब यहां पर एक बात और देखें आप कि यहां पर हमने एसीटोन क्यों लिया या फिर मेथिल अल्कोहल क्यों लिया, तो पहले आपको एक बात जानना जरूरी है। ये देखिए सॉल्युबिलिटी इन एसीटोन यानी कि एसीटोन में हम विलयता देखेंगे, तो मैं बता दूं आपको NaF, NaCl, NaBr, NaI, तो Na इन सब के अंदर क्या है, कॉमन है। फ्लोरीन से जब हम आयोडीन की तरफ जाते हैं तो उनका एटॉमिक साइज क्या होता है, बढ़ता है। एटॉमिक साइज यानी परमाणु आकार इनका फ्लोरीन से आयोडीन की तरफ क्या होता है, बढ़ता है, जिसकी वजह से इनके बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो ज्यादा हो जाती है। अब बॉन्ड लेंथ ज्यादा हो जाएगी, बंध लंबाई ज्यादा हो जाएगी, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, बंध सामर्थ्य यानी बंध प्रबलता क्या हो जाएगी, घट जाएगी, जिसकी वजह से इनकी जो सॉल्युबिलिटी है यानी विलयता है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो आप देख सकते हो एसीटोन में सबसे ज्यादा NaI क्या होगा, डिजोल्व होगा, ये देखिए मोर सोल्यूबल यानी अधिक विलेय। और यहां पर जो NaF होगा वो क्या होगा, लेस सोल्यूबल यानी कम विलेय होगा। अब देखिए डियर स्टूडेंट्स, यहां पर हमने एसीटोन लिया तो क्यों लिया, देखिए बताते हैं आपको। यहां NaI एसीटोन में क्या होता है, ज्यादा डिजोल्व होता है, और आपको पता है कि फिल्केनस्टाइन रिएक्शन के अंदर हम आयोडाइड कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं, आयोडाइड यौगिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। तो ये जो NaI है इस एसीटोन में ज्यादा डिजोल्व होता है, ठीक है। तो यहां पर क्या बनेगा, NaCl, यहां पर रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, NaBr। तो यहां जो NaCl है ये जो इस रिएक्शन में बनता है, या फिर NaBr जो इस रिएक्शन में बन रहा है, ये एसीटोन में क्या होता है, कम डिजोल्व होते हैं। ये एसीटोन में क्या होते हैं, कम विलय होते हैं। NaCl भी कम विलय होता है और NaBr भी कम विलय होता है। तो कम डिजोल्व होने की वजह से ये प्रेसिपिटेट हो जाते हैं यानी कि ये अवक्षेपित हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये रिएक्शन से इनको क्या करते हैं, हम उस कंपाउंड में, उस कंपाउंड को यानी NaCl एंड NaBr कंपाउंड को हम क्या करते हैं, बाहर निकाल लेते हैं। अब आपको पता है कि जब NaCl और NaBr जब बाहर निकल जाएगा तो ये जो रिएक्शन है अकॉर्डिंग टू ली चटर्ली प्रिंसिपल, ली शातेलिए नियम के अनुसार, अब ये जो रिएक्शन है हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में ही चलेगी, यानी कि इस अभिक्रिया की दिशा हमेशा अग्र दिशा में ही रहेगी। कौन सी दिशा में, कौन सी डायरेक्शन में, ऐसे ये देखिए इधर क्यों रहेगी, क्योंकि आपको पता है कि ये और ये जब रिएक्शन से बाहर हो गए, ये प्रेसिपिटेट इन्होंने बना लिया, तो अब यहां पर सिर्फ एक ही रिएक्टेंट मॉलिक्यूल ये होगा या फिर ये होगा। इधर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या है, ज्यादा है, यानी इधर कंसंट्रेशन क्या है, ज्यादा है, इधर सांद्रता क्या है, ज्यादा है। आपको पता है इधर कंसंट्रेशन ज्यादा होगी, ठीक है, तो नंबर ऑफ कोलिजन क्या होगा, इनमें अभिकारक अणुओं के मध्य टक्करें क्या होंगी, ज्यादा होंगी, यानी कि नंबर ऑफ कोलिजन रिएक्टेंट के बीच में क्या होगा, ज्यादा होगा, जिससे रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, फास्ट होगी, और रिएक्शन की जो डायरेक्शन है वो कहाँ रहेगी, आगे की तरफ रहेगी। आपने देखा होगा हैबर प्रोसेस के अंदर भी
जो रिएक्शन का जो डायरेक्शन होता है वो फॉरवर्ड होता है। कॉन्टैक्ट प्रोसेस में भी आपने देखा होगा रिएक्शन का जो डायरेक्शन है वो भी फॉरवर्ड होता है। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट की तरफ कंसंट्रेशन क्या होती है? ज़्यादा होती है। ठीक है, इधर भी यही है कि जब ये बाहर आ गए हैं तो इधर सिर्फ ये बचेगा, ये बचेगा, इधर कंसंट्रेशन क्या ज़्यादा रहेगी। तो इधर अगर ज़्यादा कंसंट्रेशन है तो किसी भी केमिकल रिएक्शन की रेट जो होगी वो क्या होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगी, यानी अभिक्रिया की दिशा क्या होगी? फॉरवर्ड डायरेक्शन में, आगे की तरफ होगी। इसीलिए प्रोडक्ट का फॉर्मेशन जो होगा, उत्पाद का निर्माण क्या होगा? ज़्यादा होगा। ठीक है, चलिए हम आगे चलते हैं। अब हम जो स्टडी कर रहे हैं, इस रिएक्शन का नाम है वुड्स रिएक्शन, बुटर्ज अभिक्रिया। इसमें देखिए कि ये है एल्किल हैलाइड, इसको हम लोग हेलो एल्केन भी बोलते हैं, हेलो एल्केन या फिर एल्किल हैलाइड। हेलो अल्केन का ओल्डेस्ट नाम है एल्किल हैलाइड। तो देखिए यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम लेते हैं हेलो अल्केन के दो मॉलिक्यूल लेते हैं, ये भी हेलो अल्केन है, ये भी हेलो अल्केन है। हम इसको सोडियम मेटल के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में जब रिएक्ट कराते हैं तो देखिए यहाँ से क्या होगा, यहाँ से 2NaX बाहर हो जाएगा, ये देखिए 2NaX, और यहां पर आर आर मिलके ये एल्केन का फॉर्मेशन कर लेंगे। ठीक है, देखिए जब हम हेलो एल्केन के दो अणुओं को इस सोडियम धातु के साथ शुष्क ईथर की उपस्थिति में अभिकृत करते हैं तो यहां से 2NaX बाहर हो जाता है और यहां पर एल्केन आर आर यानी एल्केन का निर्माण हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, इस वुड्स रिएक्शन में जो हमको यहां पर एल्केन मिलता है उसमें इवन नंबर ऑफ कार्बन एटम होते हैं, उसमें सम संख्या में कार्बन परमाणुओं की संख्या होती है, जैसे 2, 4, 6 है ना, इस तरह से इसमें 1, 3, 5, 7 यानी ऑड नंबर, यानी ऑड नंबर में इसमें एल्केन का निर्माण नहीं होता, यानी विषम संख्या में इसका एल्केन का निर्माण नहीं होता। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल ले लेते हैं तो आपको और क्लियर हो जाएगा। देखिए जैसे मान लो यहाँ पर है आयोडो इथेन के, हमने दो मॉलिक्यूल ले लिए, आयोडो इथेन, आयोडो इथेन, ये सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। ठीक है, ड्राई ईथर की प्रेजेंस में यानी शुष्क ईथर की उपस्थिति में हम रिएक्शन करा रहे हैं। तो आप ध्यान रखना यहाँ पर दोनों जो है ये सेम होना चाहिए, ये जो आयोडो इथेन, आयोडो इथेन, यानी दोनों क्या होना चाहिए? सेम होने चाहिए, समान होना चाहिए। तो क्या होगा, ये देखिए 2NaI यहाँ से बाहर निकल जाएगा, ये बाहर निकल गया, और C2H5 ये मिल जाएंगे और बनाएगा ब्यूटेन, यानी ब्यूटेन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने जिस एल्केन की बात की उसमें इवन नंबर में कार्बन होना चाहिए, जैसे 2, 4, 6, 8 ऐसे होना चाहिए। ठीक, जैसे यहाँ पर देखिए 4 है, मतलब 1, 3, 5, 7 में आपको नहीं मिलेंगे। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स एक बात और दिमाग में आती है आपके कि मान लो यहां हमने दोनों तरफ जो है ये सेम हेलो अल्केन लिया था, अगर हम दोनों तरफ डिफरेंट ले लें तो देखो यहां पर हमने अलग यानी ब्रोमो इथेन लिया और यहां पर हमने ब्रोमो मीथेन लिया, तो क्या होगा? तो याद रखिए डियर, अगर आप यहां पर दोनों डिफरेंट डिफरेंट हेलो अल्केन लेते हैं तो यहां पर ड्राई ईथर की प्रेजेंस में तीन टाइप के एल्केन का मिक्सचर मिलता है, यानी तीन प्रकार के एल्केन का हमको मिश्रण मिलता है। जैसे आप देखिए इसमें हमको इथेन मिलेगा, ब्यूटेन मिलेगा और प्रोपेन मिलेगा। कैसे मिलेगा? देखिए यहां पर CH3 CH3 ये दो बार रिएक्ट करेगा, इथेन मिलेगा। यहां पर C2H5 C2H5 दो बार रिएक्ट करेगा और ब्यूटेन बन जाएगा। और फिर C2H5 एंड CH3 ये आपस में भी तो रिएक्शन करेगा। ठीक है, तो ये इस तरह से ये प्रोपेन बन जाएगा। तो याद रखिए कि जब दोनों हेलो अल्केन यानी एल्किल हैलाइड डिफरेंट डिफरेंट लेते हैं तो यहाँ पर हमको एल्केन का मिक्सचर ऑब्टेंड होता है। ये देखिए 1, 2, 3 यानी तीन टाइप के हमको एल्केन का मिश्रण, यानी कि तीन टाइप के एल्केन का हमको मिक्सचर मिलता है। ठीक है, तो याद रखिए इसीलिए इस मेथड में हम क्या करते हैं,
इवन नंबर वाले यानी सम संख्या वाले हम एल्केन का फॉर्मेशन करते हैं, ठीक है। अच्छा अब हम आगे की तरफ चलते हैं, इस समय हम पढ़ने जा रहे हैं फिटिक रिएक्शन। देखिए फिटिक रिएक्शन में क्या होता है कि फिटिक रिएक्शन में हम हेलो एरिन लेते हैं और सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट कराते हैं ड्राई एथर की प्रेजेंस में, ठीक है। देखो क्या होगा, ये 2NaCl यहाँ से बाहर हो जाएगा और दोनों बेंजीन आपस में जब लिंक हो जाएगा ये देखिए, तो इसको हम लोग बोलेंगे डायफिनाइल, यानी डायफेनिल का क्या हो जाएगा यहाँ पर निर्माण हो जाएगा। अब देखिए इसी चीज को मैं आपको समझाने की कोशिश करूँ कि ये जो वुड्स रिएक्शन है जो आप देख रहे हो यहाँ पर, वुड्स रिएक्शन ये एल्किल हैलाइड के लिए होती है, एल्किल हैलाइड के लिए, ठीक है। और ये जो फिटिक रिएक्शन आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये देखिए फिटिक रिएक्शन ये एरिल हैलाइड के लिए होती है, यानी कि आपको पता होना चाहिए एरोमेटिक इसमें यूज होता है और उसमें जो हम बोल रहे थे वुड्स रिएक्शन में इसमें हम एलिफेटिक का यूज करते हैं। ये देखिए ये एलिफेटिक हेलो अल्केन है, ठीक है, तभी तो उसको हेलो अल्केन बोलते हैं क्योंकि उसमें रेडिकल जो है वो एलिफेटिक यूज होता है और इसमें जो रेडिकल है वो एरोमेटिक यूज होता है। अब आपके दिमाग में बात आएगी कि एलिफेटिक और एरोमेटिक में क्या डिफरेंस है, तो डियर स्टूडेंट्स एक बात दिमाग में रखिए कि जिस भी कंपाउंड में आपको ये देखिए C6H5 ग्रुप नजर आएगा तो उसको बोला जाता है एरोमेटिक, ठीक है, और जिसमें भी ये ग्रुप ना हो उसको बोला जाएगा एलिफेटिक। एक बार फिर से देखिए, जिस कंपाउंड में C6H5 ग्रुप होगा उसको बोला जाएगा एरोमेटिक और जिसमें ये ग्रुप नहीं होगा उसको बोला जाएगा एलिफेटिक। तो अब आप जान चुके हैं कि वुड्स रिएक्शन में जो रेडिकल होता है वो एलिफेटिक होता है और फिटिक रिएक्शन में जो रेडिकल होता है वो एरोमेटिक होता है। तभी तो हम यहां पर लेते हैं क्लोरोबेंजीन के दो मॉलिक्यूल लेते हैं और 2Na से रिएक्ट कराते हैं ड्राई एथर की प्रेजेंस में, तो डायफिनिल का निर्माण हो जाता है। अब देखिए अब हम नेक्स्ट रिएक्शन पढ़ने जा रहे हैं, इस रिएक्शन का नाम है वुड्स फिटिक रिएक्शन। देखो वुड्स फिटिक रिएक्शन में क्या होगा, हमने फिटिक का देखो क्लोरोबेंजीन ले लिया और वुड्स का हमने CH3Cl ले लिया, 2Na मेटल के साथ इसको रिएक्ट कराएंगे ड्राई एथर की प्रेजेंस में, तो क्या होगा ये देखिए यहां से 2Na2Cl के साथ ये देखिए बाहर निकल जाएंगे, ये बाहर निकल गया, ये CH3 यहां पर जुड़ जाएगा, ये जुड़ गया, तो इसको हम लोग बोलेंगे टॉलविन। तो आपको जो नजर आ रहा है इसको हम लोग बोलते हैं टॉलविन, ये देखिए लिख देता हूं मैं टॉलविन, ये टॉलविन का क्या हो जाएगा डियर यहां पर ये निर्माण हो चुका है, ठीक है। आज की हमारी आखिरी रिएक्शन है सैंडमेयर रिएक्शन। ये देखिए सैंडमेयर रिएक्शन, सैंडमेयर अभिक्रिया, हमारे पास है ये एनिलीन, बेंजीन के ऊपर अगर NH2 लगा हुआ है तो इसको हम लोग बोल सकते हैं एमिनो बेंजीन या फिर आप बोल सकते हैं इसको एनिलीन, एनिलीन इसका फेमस नेम है तो हम बोलेंगे इसको एनिलीन। जब हम इसको एनिलीन को सोडियम नाइट्राइट, इसका नाम आपको पता है सोडियम नाइट्राइट, और साथ में हम लेते हैं यहां पर ये देखिए हेलोजन एसिड, ठीक है, यहां पर हम हेलोजन एसिड ले रहे हैं और जो भी हेलोजन एसिड लेंगे वो क्या होगा डाइल्यूट होगा, और 273 से 278 केल्विन पर जो कि कोल्ड होता है यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड से 5 डिग्री सेंटीग्रेड जो कि कोल्ड टेम्परेचर होता है, ठीक है। तो यहां क्या होगा कि इस HX को हम कैसे लिख सकते हैं, 2 टाइम्स यू नो HX एंड देट इज अ HX ऐसे लिख लो। अब यहां पर क्या होगा वो देख लीजिए, यहां से NaX आप पहले बाहर कर दीजिए, ये आपने NaX बाहर कर दिया, ठीक है, ये NaX आपने बाहर कर दिया, उसके बाद देखो हाउ मेनी H, 2H तो ये है और फिर 2H ये है तो टोटल हो गए 4, और यहां से ये 2 ऑक्सीजन तो 2H2 भी बाहर निकाल दो, ये आपने 2H2 भी बाहर निकाल दिया। अब यहां क्या क्या बचा, यहां बचा है N और ये वाला भी N और साथ में डियर देखिए ये एक्स बचा है, ठीक है, तो N2X यानी ये आप जानते हो इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं बेंजीन डायजोनियम हेलाइड, क्योंकि एक्स को हम लोग क्या बोलते हैं हेलाइड, तो इसका नाम हो जाएगा बेंजीन डायजोनियम हेलाइड। अब ये जो बेंजीन डायजोनियम हेलाइड है इससे हम बनाएंगे हेलो बेंजीन यानी कि एराइल हैलाइड बनाएंगे।
अब कैसे बनाएंगे? सबसे पहले हमने ले लिया है यहाँ पर बेंजीन डायजोनियम हैलाइड ले लिया, बेंजीन डायजोनियम हैलाइड, और इसको हम क्या करते हैं, CU2X2 या फिर CUX के साथ और एज वेल एज HX के साथ। आपको पता है कि यहाँ पर अगर CUX है तो यहाँ HX लेना पड़ेगा, अगर यहाँ CUBR है तो यहाँ HBR, ठीक है, अगर यहाँ CUCL है तो यहाँ HCL लेना पड़ता है, ठीक है। अब होता यह है कि इन दोनों की रिएक्शन से ये दोनों हमको क्या देते हैं, ये दोनों हमको एक्स नेगेटिव देते हैं। ये देखिए, तो ये एक्स नेगेटिव क्या करेगा, अटैक करेगा कहां पर, यहां पर। तो यहां से ये एक्स जो है ये क्या हो जाएगा, वापस यहां आ जाएगा कहां पर, जहां से ये आया था, ठीक है। और यहां से क्या होगा, N2 बाहर निकल जाएगा क्योंकि ये वाला एक्स तो यहां पर अटैच हो चुका है। तो ये देखिए हमको मिला क्या, एराइल हैलाइड और साथ में N2 मिला, ठीक है। ये आपको समझ में आया होगा, और नहीं समझ में आया तो कोई बात नहीं, हम इसके एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। सपोज हमने N2S की जगह पर यहां पर ले लिया हमने N2Cl, तो अब इसकी नेमिंग क्या होगी, इसकी नेमिंग होगी बेंजीन डायजोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब CUBR और यहां पर लिया हमने HBR। आई सेड अर्लियर, मैंने आपको बताया CUBR एंड HBR मिलकर क्या बनाएंगे, Br नेगेटिव आयन देंगे। ये देखिए, और ये Br नेगेटिव क्या करेगा, अटैक करेगा कहां पर, यहां पर। तो यहां से क्या होगा, N2 बाहर निकल जाएगा, ये देखिए बाहर निकल गया, ठीक है। जब ये Br लिंक होगा यहां पर, ये देखिए ब्रोमोबेंजीन बन गया। अब ये जो Cl नेगेटिव था, ये Cl नेगेटिव कहां से, जहां से आया था, यानी इतने पोर्शन से आया था ना, वापस यहीं पर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हमको ये मिल जाएगा। कुछ बुक्स में ऐसा भी है, देखिए कैसे, कि यहां से CUBR एंड HBR ये Br नेगेटिव को प्रोड्यूस करते हैं, तो वो ये यहां अटैक होकर के ब्रोमोबेंजीन बना लेगा, साथ में N2 भी बाहर निकल जाएगा, और ये Cl नेगेटिव को उन लोगों ने क्या किया, प्लस Cl नेगेटिव करके भी निकाला है, ठीक है। तो वो भी सही है, और जो हम कर रहे हैं ये 100% सही है, ठीक है। तो आई होप डियर स्टूडेंट्स आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, ठीक है, थैंक यू।